नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनीता आपका स्वागत करती हूँ मेरे शाही फोड़ने किचन में। आज मैं आपको दिखा रही हूँ महाराष्ट्र स्पेशल भरवा बैंगन। महाराष्ट्र के कई भागों में इस तरह से बैंगन बनाया जाता है, स्पेशली कोल्हापुर सोलापुर साइड में। तो आइए शुरू करते हैं भरवा बैंगन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं भरवा बैंगन। यहाँ पे मैंने लिया है बैंगन, लहसुन, अदरक का टुकड़ा, दो प्याज कट करके लिया है, करी लीव्स, सूखी लाल मिर्च, धनिया, तेल, मूंगफली को भून के छिलका निकाल के लिया है, ये सूखा नारियल है थोड़ा सा, हल्दी, धना जीरा पाउडर, जीरा राई कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी इमली, गुड़। एक पैन रखिए, पैन में डालिए थोड़ा सा तेल, इसमें डालिए जो प्याज हमने कट करके रखा था। ये 250 ग्राम बैंगन के लिए मैंने दो छोटे छोटे प्याज लिए हैं, लंबे लंबे कट करके। मीडियम आंच में इसको हमें भूनना है। प्याज हल्का सा कलर चेंज होने के बाद में, गोल्डन होने के बाद में, इसमें डालिए नारियल के जो सूखे नारियल के टुकड़े हमने लिए थे, बहुत थोड़ा सा एक टुकड़ा लिया था मैंने, उसको कट करके लिया है। साइड में इसे भी डाल के फ्राई कर लेते हैं, दोनों को मिला के थोड़ा सा भून लेते। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो, पर मैंने गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि रोज़ के खाने में मैं थोड़ा सा गरम मसाला कम डालती हूँ। आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल सकते हो। यह है एक कटोरी मूंगफली जो भून के छिलका निकाल के लिया है, उसको भी डाल के एक आध मिनट उसे भी भून लेते हैं। एक आध मिनट होने के बाद गैस ऑफ कर दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको हम लेते हैं, एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालते हैं बाकी की सामग्री। मिक्सर में ही हम सब मसाला डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और पीस भी अच्छे से जाता है। ये मैंने डाला हल्दी, दो चम्मच धना जीरा पाउडर है। अब डालते हैं नमक स्वादानुसार। मैंने यहाँ पे बैड़गी लाल मिर्च ली है, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले लेना। ये है थोड़ा सा इमली का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा थोड़ा सा। ये है लहसुन की कलियाँ, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, इसको हम पीस लेते हैं। दरदरा पीसना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है इसे। देखिए इस तरह से दरदरा होना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब बैंगन को कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मैं कट कर रही हूँ उस तरह से आपको कट करना है, पूरा नीचे तक कटना नहीं है, डंडी के पास छोड़ देना है। इस तरह से मैंने चारों पांचों कट कर दिया। एक मैं चाकू की सहायता से भी दिखाती हूँ कैसे कट करना है। देखिए इस तरह से इसको कट करके रख दीजिए, इस तरह से होना चाहिए। अब हम जो मसाला पीस के रखा था उसमें हम डालते हैं हरा धनिया, बारीक कट किया हुआ। मसाले को थोड़ा थोड़ा लेके हम बैंगन में भरेंगे। देखिए जिस तरह से मैं भर रही हूँ उस तरह से हाथ से इसको भरना है। अच्छे से दबा के भर दीजिए और जो ऊपर एक्स्ट्रा आता है मसाला उसको निकाल देना है। इस तरह से थोड़ा सा हाथ से दबा के अगर आप भर देंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है मसाला अंदर की तरफ। इसी तरह से मैं सारे बैंगन भर लेती हूँ। जो बचा हुआ मसाला है उसको एक हम छोटे से बर्तन में निकाल लेते हैं और जो मिक्सी में हमने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये मसाले में पानी डाल देते हैं। इसको मसाले को मिक्स कर लेते। सारी तैयारी करके रखेंगे तो बनाने के लिए बहुत आसान और ईजी हो जाता है। एक कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में डालिए तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालिए जीरा राई कलौंजी। अब डालते हैं करी लीव्स, दो तीन सूखी लाल मिर्च। अब इसमें हम डालते हैं जो बैंगन हमने भर के रेडी करके रखा था उसको। इस तेल में हमको बैंगन को कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम में गैस रखिए। इस तरह से अगर आप बैंगन पहले तेल में हल्का सा पका लेते हैं तो बैंगन की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है और तेल में बैंगन जल्दी पकते हैं, इसलिए हमें इसको तेल में हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसको हम ढक के रख देते हैं 4-5 मिनट के लिए। बीच बीच में एक आध बार इसे चेक करते रहिए, बीच बीच में चेक करना है, नहीं तो कभी कभी मसाला जल जाता है। देखिए ये रेडी हो गया। अब हम इसमें डालते हैं जो मसाला हमने रेडी करके रखा है, मिक्स करके पानी और मसाला। वो जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए।
मुझे थोड़ा सा ग्रेवी पसंद है, मेरे घर में थोड़ा सा ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। इसको ढक के वापस, इसको ढक के कम से कम 7 से 8 मिनट इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम में। बीच बीच में थोड़ा सा चेक करते रहिए। बैंगन पक जाने के बाद में ढक्कन निकाल दीजिए और ढक्कन निकाल के कम से कम इसे 4 से 5 मिनट वापस हमें पकाना है, तभी अच्छे से तेल निखर के आता है इसका। देखिए मैंने इसको निकाल के फिर से एक 4-5 मिनट पकाया है ढक्कन निकाल के, और रेडी हो गया हमारा भरवा बैंगन। आप इसे खा सकते हो चपाती, रोटी, चावल के साथ में, नान के साथ में। ये देखिए रेडी हो गया हमारा भरवा बैंगन। इसको हम अब सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। पहले बैंगन निकालिए, बाद में इसके ऊपर ग्रेवी डालिए, और हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसके ऊपर डालिए हरा धनिया। देखिए बैंगन पूरी तरह से अच्छे से पक गया और उसमें मसाला भी वैसे की वैसे है। ये रेडी हो गया हमारा भरवा बैंगन। मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।